और अब बात करते हैं राजस्थान में कोरोना के ग्राफ के बीते 24 घंटे में 5,937 मामले कोरोना के सामने आए हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह कि एक दिन में 21 कोरोना संक्रमितों की मौत अभी भी हो रही है। अकेले जयपुर में सामने आए सर्वाधिक 942 कोरोना के नए केस। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो कोरोना के केसेस में कमी आई और यही वजह है कि लगातार गिरते आंकड़ों के बीच में नई गाइडलाइन भी जारी हुई, जिसमें कई तरह के छूट दी गई है। मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, क्या माना जाए कि पीक अब बहुत पीछे रह चुका है और कुछ वक्त में वो वक्त भी आएगा जब राजस्थान में इक्का दुक्के कोरोना के केस होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, आज अगर राजस्थान में कोरोना की स्थिति मानते हैं तो कुल पिछले 24 घंटे की बात करें तो 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है और जो पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ है वो काफी नीचे गिरा है। आज कुल 5,937 केस प्रदेश भर में पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अगर हम राजस्थान में थर्ड लहर के पीक की बात करें तो थर्ड लहर के पीक के मुकाबले ये जो केस हैं वो एक तिहाई रह गए हैं, क्योंकि हम अगर बात करें तीसरी लहर की तो इस बार 16,000 केस एक दिन के अधिकांश सबसे अधिक एक दिन में सामने आए हैं, उसकी बनस्पत आज जो है 5,937 केस पॉजिटिव सामने। हालांकि लेकिन चिंता की बात जरूर है कि मौतों का ग्राफ जो है वो जो है थमने का नाम ले रहा है, एक तय लाइन बनी हुई है 20 से 22-23 ये लोग रोज मर रहे हैं। लेकिन हालांकि इसमें बात यही है कि जो अधिकांश लोग वो है जो कि कोमोबिडिटी के पेशेंट है या फिर जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, किसी न किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है। इसके साथ में अगर बात करें पॉजिटिव मरीजों का तो सबसे अच्छा साइन आज ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर जो कि कह सकते हैं एपिक सेंटर बना हुआ था कोविड के हिसाब से, लगातार केस सामने आ रहे थे, वहां पर आज केस काफी कम आया है 942 राजधानी जयपुर में सामने आया। जी जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।